हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बुद्धा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए एक वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ, जिस वीडियो में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज है 14 जुलाई 2023। आज श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से क्या किया जा रहा है, एक मिशन को लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है चंद्रयान 3। किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? जी, इसरो के द्वारा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इसरो के द्वारा दो दो मिशन पहले लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। जी, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और वो अगस्त 2009 में विफल हुआ था, क्योंकि उसने पृथ्वी के सॉरी चंद्रमा के लगभग 3400 चक्कर कंप्लीट किए थे। उसके बाद उसका संपर्क टूट गया था, इस कारण वो मिशन विफल रहा। उसके बाद फिर दूसरा मिशन जो जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था, और ऐसे वो मिशन भी हमारा विफल रहा था। तो चंद्रयान 3 मिशन क्या है? चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप मिशन है, और इस मिशन के 2019 में चंद्रयान 2 के जरिए इस मिशन को हासिल करने की कोशिश की गई थी। इस मिशन में सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका उद्देश्य क्या रहा, क्या था? चंद्रमा पर उसकी सुरक्षित लैंडिंग थी, और इसकी सुरक्षित लैंडिंग नहीं हो पाई थी। उस समय पर चंद्रयान 3 के 3 लैंडर में 4 पोलोड का इसमें यूज किया गया है। ये 4 पोलोडों का काम क्या होगा? उस चंद्रमा की थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर और प्लाज्मा डेंसिटी, और कहेंगे सिस्मिक, मतलब उसकी भूकंपिता को मापने का ये काम करेंगे, ठीक है। और उसकी जो कहेंगे मौलिक संरचना है जो चंद्रमा की, उसके बारे में भी ये यहाँ पर इसकी खोज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चंद्रमा में 4 पोलोड हो गए। इस मिशन में एल्गोरिदम को और बेहतर किया गया है। बता दें कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है, डार्क साइट ऑफ मून कहा गया है। लैंडिंग को क्या कहा गया है? डार्क साइट ऑफ मून कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं पड़ता, इस कारण से इसे डार्क साइट ऑफ मून कहा गया है। इसके बाद इसमें चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम मैं आपको बता दूं, जो पहले नाम रखा गया था विक्रम साराभाई जी के नाम पर, वही नाम इसमें रखा गया है। विक्रम साराभाई और के नाम पर विक्रम रखा गया है, और इसका जो रोवर है, रोवर का नाम भी प्रज्ञान रखा गया है, ठीक। आगे इस चंद्रयान का मिशन खास क्यों है? ये चंद्रयान हमारा मिशन खास क्यों बनाता है? इसका मेन कारण है कि जब तक दुनिया के जितने भी देशों ने चंद्रयान पर लैंडिंग की है, वो उत्तरी ध्रुव पर की है। कहां पर की है? उत्तरी ध्रुव पर की है। इस बार चंद्रमा पर इस यान को कहाँ पर लैंड कराया जा रहा है? इस चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड कराया जा रहा है। दक्षिण ध्रुव पर लैंड कराया जा रहा है, और कहाँ से लैंड कराया जा रहा है? ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लैंड कराया जा रहा है, जो इस समय हमारे इसरो के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ सिंह के अनुसार क्या कह रहे हैं वो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह भारत की क्या है, सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो ये जो चंद्रयान है, ये लगभग 40 दिन बाद ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, लगभग 40 दिन बाद 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो इस प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।